दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी गुंतूर कारम, जिसमें महेश बाबू लीड रोल में हैं और ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें सत्यम की फैमिली को दिखाते हैं, जो कि काफी बड़ी जॉइंट फैमिली है। सत्यम के परिवार का काफी बड़ा मिर्ची सप्लाई करने का बिजनेस है और वह सब काफी खुशी से रहते हैं। अगले सीन में सत्यम अपनी भाई वसुंधरा और उसके बेटे रमना के साथ बैठा होता है और घर के सभी लोग काम में बिजी थे। तब हम इस साइड देखते हैं कि लेनी नाम का गुंडा अपने भाई मार्क्स के साथ जाकर सत्यम के गोडाउन में काफी बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे सत्यम का सारा माल जल जाता है। तब सत्यम धमाके की आवाज़ सुनकर अपने जीजा के साथ गोडाउन आता है और वह लेनिन और मार्क्स के आदमियों से लड़ने लगता है। तभी सत्यम का जीजा गुस्से में लेनिन का गला ही काट देता है और ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। इतने में सत्यम की वाइफ वसुंधरा अपने बेटे रमना और उसकी बुआ के साथ आती है और ये देखकर वसुंधरा अपने पति के पास भागती है और वहाँ जोरों का ब्लास्ट होता है। उसी ब्लास्ट में रमना की आंख में चोट लग जाती है। अब सीन चेंज होता है और सत्यम को जज 12 साल की सजा सुनाते हैं, जबकि लेनिन को तो उसके जीजा ने मारा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वसुंधरा अपने पापा वेंकट स्वामी के पास वापस चली गई है और वसुंधरा ने नारायण नाम के आदमी से दूसरी शादी की है, जिससे उनका एक बेटा भी हुआ है। यानी दोस्तों मूवी में हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि वसुंधरा अपने पति और बच्चे को छोड़कर चली गई थी, जिससे वह काफी ज्यादा प्यार करती थी। अब कुछ साल ऐसे बीत जाते हैं और हम वसुंधरा के पापा वेंकट स्वामी को देखते हैं, जो कि काफी बड़े मंत्री बन चुके हैं। उनसे काटा मधु नाम का नेता मिलने आता है और कहता है कि इस बार लॉ मिनिस्ट्री उसको मिलनी चाहिए, पर वेंकट स्वामी बोलते हैं कि लॉ मिनिस्ट्री उनकी बेटी वसुंधरा को मिलेगी, जिसके बाद वह मिनिस्टर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दरअसल वेंकट स्वामी के पास इतनी पावर आ गई थी कि वह किसी को भी अपनी पार्टी से नेता बना सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को भी ये पोस्ट दिलवाई थी। अब अगले सीन में वसुंधरा लॉ मिनिस्ट्री की शपथ लेती है। उसके बाद वेंकट स्वामी का लॉयर पानी आकर रमणा के बारे में बताता है, जो कि अब काफी बड़ा हो गया था और रमणा वेंकट स्वामी का पोता है, पर वे उसके सारे रिश्ते खत्म करने के लिए पेपर पर साइन करवाना चाहते हैं, ताकि रमना को उनकी प्रॉपर्टी पैसा कुछ भी न मिले और सारा कुछ उनके दूसरे पोते गोपाल को मिले, जो कि वसुंधरा की दूसरी शादी से हुआ था और अब वो उसे सब कुछ देना चाहते थे। फिर वेंकट स्वामी रमना को मैसेज पहुंचवा देते हैं कि उसकी माँ वसुंधरा उसको मिलने के लिए बुला रही है, ताकि वह रमना से पेपर पर साइन करवा लें और उनके सारे रिश्ते खत्म हो जाएं। फिर जैसे ही ये न्यूज रमना के पास पहुंचती है, वह अपनी माँ से मिलने के लिए चल देता है, ताकि वो अपनी माँ से पूछ सके कि वो उसको बचपन में छोड़कर क्यों चली गई थी। रमना अब जैसे अपनी माँ से मिलने वेंकट स्वामी के पार्टी ऑफिस में पहुंचता है, तब मूवी में हमें रमना को पहली बार दिखाते हैं, जो कि काफी स्मार्ट लड़का था और रमना की उस ब्लास्ट के कारण एक आंख से दिखना बंद हो गया था। फिर रमना पानी के असिस्टेंट बालू से मिलकर पार्टी ऑफिस उसकी माँ से मिलने जाता है, पर कार्स रमना को अंदर जाने ही नहीं देते, जिसके बाद पानी अगर रमना को बताता है कि उसको यहाँ पर पेपर साइन करने के लिए बुलाया गया है, पर रमना बोलता है कि बेटी से रिश्ता खत्म करने के लिए कौन सा पेपर साइन होता है। फिर रमना कहता है कि अगर उसको एक बार उसकी माँ वसुंधरा से मिला दिया जाए तो वह किसी भी पेपर पर साइन कर देगा। दरअसल रमना अपनी माँ के जाने के बाद एक बार भी उनसे नहीं मिला था, उसको बस उसकी माँ से कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए वो यहाँ आया था। फिर अगले सीन में रमना पेपर में साइन कर देता है और जैसे पानी वह पेपर वेंकट स्वामी के पास लेकर जाता है, तो देखता है कि रमना ने तो पेपर पर साइन किए ही नहीं है, बल्कि उसने पेपर पर वेंकट स्वामी के लिए कुछ लिखा था कि तुझे खेलना ही है तो चल खेलते हैं बेटे, और यहाँ रमना का कहना था कि वह अपनी माँ से मिले बिना पेपर पर साइन नहीं करेगा। फिर रमना वहाँ से जाते हुए वेंकट स्वामी के पार्टी ऑफिस की सारी तैयारियों को पूरा बर्बाद कर देता है और साथ ही वो वेंकट स्वामी का बहुत बड़ा पोस्टर भी गिराकर चला जाता है। अब रमना घर पहुंचता है, जहां उसकी बुआ और बहन उसे खाना खिलाती हैं। तब वह बताता है कि मैं अपनी माँ से मिलने गया था, पर मैंने साइन नहीं किया क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी माँ से मिलने ही नहीं दिया। इधर हम देखते हैं कि रमना के पापा सत्यम जब से जेल से छूटे हैं, तब से वो पूरा दिन बस रूम में ही बैठे रहते हैं और बस खिड़की से निहारते रहते हैं। फिर कुछ दिन बाद रमना को वेंकट स्वामी उनके घर बुलाते हैं, पर रमना अपने परिवार वालों को जाने से मना करता है और रात को बैठकर दारू पीता है। तब सत्यम रमना को आकर समझाते हैं कि तेरी माँ बुला रही है तो तुझे जाना चाहिए, जिसके बाद रमना दोबारा अपनी माँ से मिलने के लिए चला जाता है। माँ रमना अपनी माँ के घर जाने से पहले पानी अंकल के घर जाता है, क्योंकि भाई रमना को उसकी माँ के घर ले जाने वाले थे। तभी पानी के घर में रमना को उसकी बेटी दिखती है, जो कि काफी खूबसूरत थी और उसका नाम अमुका होता है, जिसे सब लोग प्यार से अम्मू बुलाते हैं। माँ रमना को अम्मू से देखते ही प्यार हो गया था और अम्मू भी रमना की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं, तभी पानी आकर रमना को उसकी माँ के घर ले जाता है, जो कि काफी बड़ा और आलीशान घर था। अब रमना अपने नाना वेंकट स्वामी के सामने फुल चौड़ में बैठता है, जहाँ वह वसुंधरा के दूसरे पति नारायण और उसके सौतेले भाई गोपाल से मिलता है। फिर रमना उसके नाना की बेइज्जती करता है और बोलता है कि वह अपनी माँ से अलग होने के पेपर पर साइन नहीं करेगा, क्योंकि ऑटोग्राफ तो वह सिर्फ अपने फैंस को देता है। जिसके बाद रमना माँ से चले जाता है और बाहर जाते हुए रमना की माँ उसको ऊपर से देखती है
पर रमना जैसे उन्हें देखता है वह वहाँ से चली जाती है और रमना भी अपने घर वापस लौट आता है। अब वेंकट स्वामी पानी के साथ कार में जाते हुए रमना को उसकी माँ वसुंधरा से अलग करने का रीजन बताते हैं और कारण ये था कि वे वसुंधरा के दूसरे बेटे गोपाल को एमपी बनाना चाहते थे और अगर रमना उनका बेटा रहेगा तो अपोजिशन पार्टी इसका फायदा उठाकर गोपाल को एमपी नहीं बनने देंगे। उसके बाद रमना जब अपने गोडाउन में काम कर रहा था तब बालू और अम्मू रमना के पास आते हैं ताकि वह रमना से साइन ले सके क्योंकि अम्मू के पिता पानी को पता था कि रमना अम्मू को लाइक करता है तो शायद अम्मू के प्यार में गिरकर वो साइन कर दे। पर रमना बालू को चाटा मार कर वहाँ से चला जाता है। फिर घर आकर रमना देखता है कि उसके एक भाई ने एक आदमी को बांधा हुआ है क्योंकि वह उनके साथ धोखा कर रहा था। जिसके बाद रमना सीधा मार्क्स के पास जाता है जो कि उसके पापा का दुश्मन था और उसने अपना आदमी भेजकर रमना के मिर्ची के बिजनेस को खराब करवाना चाहा। रमना अब मार्क्स के आदमी को खूब मारता है जिससे उसके सारे लोग पीछे हट जाते हैं। फिर मार्क्स डर के मारे बोलता है कि उसका आदमी कहाँ है जिसको उसने पकड़ा था क्योंकि उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे थे। तभी रमना उनकी गाड़ी पर बीड़ी फेंकता है और वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। तब हम देखते हैं कि मार्क्स का आदमी गाड़ी के नीचे ही बंधा था। इसके बाद रमना के घर में बालू और अम्मू आकर वहाँ रहने के लिए कहते हैं और रमना मान जाता है कि हाँ ठीक है रह लेना। अब धीरे धीरे अम्मू और रमना के बीच बातें शुरू हो जाती है और इधर वसुंधरा को कोई हरिदास नाम का गुंडा धमकाता है। तब वहाँ वसुंधरा हरिदास को करारा जवाब देकर मुगत करा देती है। जिसके बाद वेंकट स्वामी अपनी बेटी को बोलते हैं कि तुम इन गुंडों के लफड़ों से दूरी रहो। जिस पर वसुंधरा बोलती है कि वह तो बस अपना काम कर रही है। अब वेंकट स्वामी पानी से पूछते हैं कि उसने रमना से पेपर पर साइन करवा लिया क्या, लेकिन पानी मना करता है तो वेंकट स्वामी उसी पर भड़क जाते हैं। अगले सीन में अम्मू और बालू रमना से गोडाउन पर मिलते हैं जहाँ रमना और अम्मू साथ में खूब डांस करके एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन ये दोनों चुपके से रमना के घर से निकलते हैं क्योंकि वह रमना से कुछ पेपर पर साइन नहीं करवा पा रहे थे। लेकिन जैसे ये दोनों कार से जा रहे थे तब उनकी कार से मार्क्स के भाई का पुतला टूट जाता है जिसके कारण मार्क्स के आदमी अम्मू की गाड़ी पर हमला करने लगते हैं। तब रमना का एक आदमी फोन करके बताता है और रमना आकर मार्क्स के आदमी को पीट कर अम्मू को बचा लेता है। अब अम्मू भी रमना के प्यार में गिर जाती है जिसके बाद अम्मू और रमना साथ में काफी जगह घूमते हैं और दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। फिर कुछ दिनों बाद रमना अम्मू को उसके घर छोड़ देता है लेकिन पानी पुलिस में झूठी कंप्लेन करके रमना को पकड़ने के लिए कहता है। जिसके बाद पुलिस वाले रमना को रास्ते से पकड़ कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और पुलिस वाला रमना को काफी धमकाता है पर रमना को पुलिस वाले का ही मजाक उड़ाने लगता है। फिर थोड़ी देर में बालू रमना की बेल कराता है और रमना गुस्से में बालू के साथ उसके नाना वेंकट स्वामी के घर जाकर बोलता है कि आपने मेरी पुलिस में झूठी कंप्लेन की थी ना, और वो पानी को उस कंप्लेन को पढ़ने के लिए बोलता है। फिर जो कंप्लेन में लिखा था वो घर की वही सारी चीजें तोड़ फोड़ करके बर्बाद कर देता है और ये सब देखकर उसकी माँ वसुंधरा रमना की चाटा लगाकर काफी भरा भरा कहती है। फिर वह वेंकट स्वामी को बोलती है कि रमना को जो भी चाहिए वह दे दो और पेपर पर साइन करवा दो। जिसके बाद रमना गुस्से में पेपर पर साइन कर देता है और उसके हिसाब से अब रमना उसकी माँ से लीगली अलग हो गया था। अब रमना बाहर आता है तो अम्मू बताती है कि वह उसके घर पेपर पर साइन करवाने आई थी जिसे रमना अम्मू से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब रमना के पास काटा मधु नाम का मंत्री आता है जो वेंकट स्वामी के ओपोजिशन में था। वह रमना को उसकी पार्टी से खड़ा करके वेंकट स्वामी के दूसरे पोते गोपाल को हरवाना चाहता था पर रमना ये सब सुनकर काटा मधु को खूब मारता है जिसके कारण वह रमना के पैरों में गिर कर माफी मांगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि काटा मधु मीडिया में वेंकट स्वामी की पार्टी का नाम बदनाम कर रहा था और उसके पास रमना की उसकी माँ के साथ फोटो थी जिसे दिखाकर वह बोलता है कि वह रमना को उसकी पार्टी से खड़ा करेगा। अब वेंकट स्वामी ये भी देख लेता है और रमना के घर पुलिस भेज देता है ताकि वह रमना को इलेक्शन में खड़ा होने से रोक पाए और सारी पावर उन पर ही रहे। अब रमना के घर पुलिस फोर्स आ जाती है और रमना के घर वाले कि रमना की माँ वसुंधरा ने उसको सिर्फ रमना के लिए छोड़ा था क्योंकि जब मूवी की शुरुआत में गोदाम में हादसा हुआ था तब सत्यम अपने जीजा को जेल से बाहर निकलवाना चाहता था और उसी समय वसुंधरा उसके बेटे रमना की आँख का इलाज करवाना चाहती थी। इसी कारण उनकी लड़ाई हुई और वे गुस्से में घर छोड़कर चली गई। फिर जब वसुंधरा को पता चला कि रमना की एक आँख सही नहीं हो सकती तो उसने गुस्से में सत्यम को कोर्ट में लेनिन का कातिल बताया जिससे सत्यम को जेल हो गई। इसके बाद सत्यम कहता है कि उसके बाद वसुंधरा अपने बेटे रमना को लेने क्यों नहीं आई। ऐसे कई सारे सवाल है जो कि तुम्हें वसुंधरा से पूछना चाहिए पर तुम तो वेंकट स्वामी से लड़ाई में फंस रहे हो। और ये सुनकर रमना भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। साथ ही अम्मू भी रमना से दूर थी जिसके कारण ये दोनों ही उदास थे। अब थोड़े दिन बाद रमना को दोबारा पुलिस पकड़ कर ले जाती है जो कि वेंकट स्वामी ने ही करवाया था और पुलिस वाले रमना को बाबजी नाम के गुंडे के पास ले जाते हैं। वहाँ जैसे ही बाबजी अपने आदमियों को रमना को मारने भेजता है रमना एक एक करके सभी गुंडों को मारता है। फिर जब बाबजी रमना पर गोली चलाता है तो रमना को पता चलता है कि बाबजी तो अंधा है जो चश्मा लगाकर सबको डराता है। अब
करुणा बाप जी को लेकर वेंकट स्वामी के पास जाता है और वेंकट स्वामी की सारी गाड़ियों को उड़ा देता है ताकि उन्हें समझ आ जाए कि रमणा भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। फिर रमणा वेंकट स्वामी को बताता है कि वह काटा मधु की पार्टी से खड़ा नहीं हो रहा है और जब वो उसे मिलने आया था तो उसने चुपके से रमणा का पर्स निकाल लिया और उसी ने मीडिया में झूठ बोला ताकि वह तुम्हारी पार्टी को हरा सके। ये सब कहकर रमणा वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि रमणा अपनी माँ का सच जानने के बाद उनसे नाराजगी खत्म कर लेता है लेकिन वह अभी भी ऐसा दिखाता है जैसे वह उनसे नाराज हो। इधर वसुंधरा जब कहीं जा रही होती है तो उसकी कार को कोई उड़ा देता है और जैसे ही बात रमणा को पता चलती है वह भागते हुए सीधा हॉस्पिटल जाता है और वहाँ उदास हो जाता है। अब रमणा की माँ को दो दिन बाद होश आता है और वह प्रेस मीटिंग रखती है जहाँ रमणा भी आकर अपनी माँ को देखता है। वहाँ मीडिया वाले वसुंधरा से कई सारे सवाल पूछते हैं। तब वसुंधरा जवाब देकर कहती है कि मैंने भी अपने कुछ परिवार वालों को खुद से दूर किया था। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जब वसुंधरा सत्यम और रमणा को छोड़कर अपने पापा के पास गई थी। तब वेंकट स्वामी ने वसुंधरा को उसके पास रहने के लिए धमकाया कि अगर वह वापस जाएगी तो वे उसके बेटे रमणा को मरवा देंगे। इसी कारण वसुंधरा को उसके पापा के साथ रहना पड़ा और शुरू में गोडाउन में आग भी वेंकट स्वामी ने नारायण से कहकर लगवाई थी जिसमें वेंकट स्वामी का ही स्वार्थ था। फिर रमणा वहाँ से जाते हुए बोलती है कि एक माँ से मत पूछो कि उसने अपने बच्चे के लिए क्या क्या किया है, अगर पता चलेगा तो समझोगे नहीं। जिसे सुनकर रमणा मुस्कुराता है क्योंकि मैं समझ चुका था कि उसकी माँ ये सब उसके लिए ही कह रही है। फिर वेंकट स्वामी अब रमणा को बताते हैं कि उसकी माँ के एक्सीडेंट के पीछे हरिदास का ही हाथ है जिसने ये सब इसलिए कराया ताकि वे इलेक्शन जीत पाए। फिर ये कहकर वेंकट स्वामी पाली से बात करने चले जाते हैं और हमें मूवी में सच्चाई दिखाते हैं जहाँ वेंकट स्वामी की बेटी ने सत्यम से ही शादी की थी जो कि इंटरकास्ट मैरिज थी। इस कारण पब्लिक के सारे वोट ओपोजिशन पार्टी को मिले और वेंकट स्वामी इलेक्शन हार गए। अब वेंकट स्वामी को इलेक्शन जीतने के लिए उसकी बेटी को वापस लाना था जिसके लिए उसने सारा प्लान करके सत्यम में गोडाउन में आग लगवा दी और उसकी बेटी को हमेशा के लिए ले आया। इसी कारण रमणा इलेक्शन जीत गया और पावर में आ गया जो कि उसका पुराना सपना था। अब हम देखते हैं कि रमणा हरिदास के अड्डे पर जाकर पहले चाय पीता है फिर अंदर जाकर हरिदास के आदमी को खूब मारता है और तब जाकर रमणा को पता चलता है कि जो आदमी बाहर चाय दे रहा था वही असली हरिदास है। फिर हरिदास रमणा को बताता है कि उसकी लड़ाई वेंकट स्वामी से है और उसने उसकी माँ का एक्सीडेंट नहीं करवाया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंकट स्वामी सभी लोगों के बीच से होता हुआ अपने पोते के पास जाता है क्योंकि आज वेंकट स्वामी गोपाल को एमपी पद के लिए लोगों के सामने खड़ा करने वाला था। पर वह देखता है कि गोपाल तो दारू पीकर वह पड़ा है जिसके बाद गुस्से में वेंकट स्वामी उसके दामाद को खूब मारता है क्योंकि उसने गोपाल को दारू पिलाई थी। तब वहाँ नारायण कहता है कि गोपाल तुम्हारा पोता नहीं है। ये सुनकर वेंकट स्वामी की दुनिया हिल जाती है। दरअसल वसुंधरा कभी भी नारायण के साथ पत्नी की तरह रही नहीं और जब उसके पापा ने उसे बच्चा करने के लिए कहा तो वह विदेश में एक साल रही और वहीं से एक बच्चा ले आई जिससे उसके पापा का तो यही लगा कि वसुंधरा का बेटा है। मतलब कि वसुंधरा इतने सालों से अपने पापा को उल्लू बना रही थी ताकि वह उसके बेटे रमणा को कुछ करे ना। साथ ही वसुंधरा चाहकर भी रमणा से नहीं मिल पाती थी कि कहीं वेंकट स्वामी उसे मरवाना दे। अब ये सारी बातें रमणा भी वहाँ कर सुन लेता है और उसको पूरी सच्चाई पता चल जाती है। फिर रमणा अपने नाना से पूछता है कि उसने अपनी बेटी का एक्सीडेंट क्यों करवाया। तब वेंकट स्वामी बातें घुमाते हुए कहता है कि मैंने नहीं मेरे दुश्मनों ने करवाया होगा जिस पर रमणा उसके सारे दुश्मनों को वही ले आता है पर किसी ने भी ये काम नहीं करवाया था। फिर वसुंधरा आकर बोलती है कि उसके पापा ने सर्वे करवाया था कि अगर किसी भी नेता की बेटी मरती है तो जनता उसी की पार्टी को जिताती है। मतलब कि वेंकट स्वामी ने वसुंधरा का एक्सीडेंट करवाया था ताकि उनकी पार्टी इस बार भी जीत पाए। फिर वसुंधरा रमणा को सारा सच बताती है कि उसने ये सब क्यों किया था जिसके बाद उनके बीच ये सारी गलतफहमी खत्म हो जाती है और रमणा अपनी माँ के साथ उसके घर चला आता है और अपने नाना से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देता है। अब इसके बाद वसुंधरा को घर में देखकर उसका पूरा परिवार खुश हो जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर एक्सप्लेनेशन आपको कौन सी मूवी या वेब सीरीज पर चाहिए वो भी कमेंट कर देना। बाकी अगर आपको हाल ही में ही कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया बेलने जाना है। बाय।